नमस्कार, स्वागत है आप सबका टारगेट विद्यालोक पर। आज है 17 फरवरी और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 17 और 18 फरवरी की दो पालियों में परीक्षा होनी थी। आज पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने को है और हम लोग इस समय उपस्थित हो चुके हैं प्रयागराज के स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज के ठीक सामने खड़े हुए हैं। पहली पाली की परीक्षा लगभग संपन्न होने को है, विद्यार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने को है। हम बात करेंगे यहाँ अभ्यर्थियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या रहा है, प्रश्नों का स्तर क्या रहा है। विगत वर्षों के जैसे ही प्रश्न पत्र आया था या इस बार कुछ अलग प्रकार का प्रश्न पत्र आया था, विद्यार्थियों ने जो तैयारी की थी परीक्षा के लिए, अनुमान लगा करके क्या उसके सापेक्ष प्रश्न पत्र देखने को मिलाया या उनकी उम्मीदों के विपरीत कुछ प्रश्न आए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों से ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए जो कि आने वाली पालियों में अन्य विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध करा पाए। साथ ही साथ अब ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि टारगेट विद्यालयों के साथ जोड़ करके अगर आपने तैयारी की है तो किस स्तर तक आपको लाभ प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं एक विद्यार्थी से। पहली मीटिंग की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, बात करेंगे इनसे और इनके अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप और क्या नाम है आपका? मैं भोपाल से हूँ और मेरा नाम यश नागर है। अच्छा, भोपाल से आए हुए हैं आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए। बताओ प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा था। रीजनिंग का लेवल है ना, उन्होंने कथन और वो तथ्य वाले आते ना, वो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा पूछे थे उन्होंने। हाँ, और एक तो रफ शीट नहीं दे रहा ये लोग, तो अपने एडमिट कार्ड के पीछे ही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैथ तो और रीजनिंग बहुत ही कम देखने को मिला है उन्होंने, मतलब रीजनिंग का लेवल ज्यादा है, मैथ कम ही है और लेवल लो ही है, इजी आ रहा है। मतलब सबसे आसान आपको क्या लगा पूरे पेपर में, सबसे आसान क्या लगा? मेरे को मैथ लगी है और इसके बाद हिंदी इजी लगी है। हिंदी ओवरऑल पेपर और जीएस कैसा रहा? जीएस आप ऐसा बोल सकते हो 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत ही इजी लेवल का था, बाकी अदर तो वो पता ही नहीं, हर कुछ ही था, वो तो पता तो है जीके कैसा आता है। तो अच्छा, करंट अफेयर को लेकर अभ्यर्थियों की बड़ी सारी चिंता होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? करंट अफेयर कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए थे। या ओवरऑल आप पेपर को कैसे देखते हैं, किस स्तर का पेपर रहा? मैं मॉडर्न ही कहूंगा, मॉडरेट ही था, मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं था, इजी भी नहीं था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। अच्छा, मतलब प्रश्न पत्र का जो स्तर मॉडरेट लेवल का है। एक बार एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि आप क्या मानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे ज्यादा डिफिकल्ट था या उनके जैसा ये पेपर था? उनके ही जैसा था लगभग, उनके ही। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये अभ्यर्थी थे हमारे साथ, भोपाल से आए हुए थे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले अभ्यर्थी के साथ बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से आए आप पेपर देने? यही सैदाबाद से। यही से? तो बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा और कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा पूरे पेपर में, क्या आपको आसान लगा? ज्यादा हार्ड तो कुछ नहीं था, बस वही रीजनिंग वाला थोड़ा हार्ड था, बाकी सब तो ठीक ही था। आसान, सबसे आसान क्या लगा आपको? सबसे आसान हिंदी लगा था। हिंदी? तो जीएस और करंट अफेयर को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में एक संशय रहता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक ही था। हाँ, ज्यादा खराब नहीं था, सब मतलब हिसाब ही अच्छा। चलिए, ये हमारे साथ एक और अभ्यर्थी थे, इनका भी अनुभव हमने साझा किया। आस्था यादव, आज का प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा? सही है, पेपर सही है। कई सारे हिस्से थे उसमें, जीएस करंट अफेयर, हिंदी और गणित रीजनिंग, तो कौन सा हिस्सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा? जीएस लगा। जीएस का हिस्सा आपको मुश्किल लगा, क्या सबसे आसान आपको दिख रहा है? तो आसान तो ऐसा कोई नहीं है, बट जैसे थोड़ी हिंदी सही थी और रीजनिंग ज्यादा सही, थोड़ा सही। अगर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करें, ये समझने का प्रयास करें कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या रहा, मुश्किल रहा, आसान रहा या फिर मॉडरेट लेवल का, तो आप क्या बताना चाहेंगे? ना ज्यादा मुश्किल थी ना ज्यादा टफी था, मतलब प्रश्न पत्र का जो स्तर रहा इनका भी कहना है कि मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। आज की जो जितने भी अभ्यर्थियों से हमने बात किया, सबने यही बताने का प्रयास किया या सबने अपना यही अनुभव बताया कि आज का जो प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट लेवल का था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास पाल है। कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। तो बताइए कि प्रश्न पत्र कैसा रहा और कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा था? बहुत अच्छा था, टाइम टेकिंग एक भी क्वेश्चन नहीं था और लेवल यूपी कांस्टेबल तक ही था, हाई लेवल ज्यादा नहीं थी किसी। तो मतलब कोई ऐसा सेगमेंट जिससे कि आपको उलझाया हो या घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसे तो क्वेश्चन नहीं थे, हालांकि जीएस थोड़ा टफ था, जीएस तो हालांकि सबको ही रहता है, जीएस सबको मुश्किल लगता है इनका कहना है, लेकिन आप बताए कि करंट अफेयर जो समसामयिकी के प्रश्न थे उनका स्तर क्या था? उनका स्तर सही था, थोड़ा उनका स्तर सही था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आपने तैयारी की रही होगी उसके आधार पर, तो उससे कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिला या बिल्कुल वैसे ही? नहीं, बस प्रीवियस ईयर के जैसा ही था, प्रीवियस ईयर के जैसा। चलिए, हमारे एक और अभ्यर्थी भाई, आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव, प्रश्न पत्र कैसा लगा आपको? सर, प्रश्न बहुत अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिंग था। रीजन ये है कि प्रश्न को पढ़ने में जो टाइम लग रहा था इसके वजह से प्रश्न नहीं हो पाया था, और लगभग 120 मैक्सिमम होना चाहिए, लगभग 120 प्रश्न कह रहा है कि कट ऑफ जानी चाहिए। आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, आपके हिसाब से आपको देख के लग रहा है। और इन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा, अभी तक जितनी अभ्यर्थियों से हमने बात किया है
उनका यही कहना है कि प्रश्न पत्र का स्तर जो मॉडरेट लेवल का रहा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे गए। कुछ को जो है हिंदी आसान लगी और कुछ को रीजनिंग मैथ आसान लगी। हम कह सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार का उनका अनुभव रहा, जिस प्रकार की परीक्षा या विषय को लेकर तैयारी रही होगी, उस आधार पर उनको प्रश्न पत्र आसान या मुश्किल लगा। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी बात करेंगे। कहाँ से है, क्या नाम आपका? हम सिकंदरा से हैं, इलाहाबाद, मतलब गांव से हैं। जी, क्या नाम आपका? सपना सर। बताइए, प्रश्न पत्र का ओवरऑल स्तर कैसा रहा और कौन सा हिस्सा आपको आसान लगा या कौन सा हिस्सा आपको मुश्किल लगा? आई थिंक सभी क्वेश्चन उतना टफ नहीं थे, इजी थे, और रीजनिंग के भी इजी थे, लेकिन कुछ थे मतलब थोड़ा कम समझ में आता था। क्या उम्मीद करें, कितने क्वेश्चन की कटाव बन सकती है या कितना सही किया होगा अभ्यर्थी ने, तो अपने आपको बेहतर महसूस करें अभी क्या आपने जो अनुभव किया प्रश्न पत्र को उसके आधार पर? वैसे तो हमने तो सब सही किए, हम पता नहीं कैसे हो सकता। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी थी जो प्रश्न पत्र आया था आज के यूपी कांस्टेबल के पाली प्रथम की परीक्षा में। इसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि हम द्वितीय पाली या फिर बाकी के जो और परीक्षाएं आने वाली है, कल की डेट में आने वाली, उनके अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत बेहतर अनुभव प्रदान कर सके। कैमरामैन तलुज के साथ मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे।